है अपने लास्ट क्लास का कोड। माइक भी आज कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो ये वो हेलो वर्ल्ड है जो लास्ट हमने बनाया था, और इसको हमने फायर बेस पे होस्ट भी कर लिया था। आप सब लोगों से हो गया है होस्ट, ज़बरदस्त बात है, बहुत ही अच्छा। हमने इसके अंदर ना एक कंपोनेंट बनाया था जो लास्ट हमने ये ऐप बनाई थी, सिर्फ इसमें इंडेक्स डॉट जे एस एक्स के नाम से एक ही फाइल थी जिसमें ये एक अदद कंपोनेंट बना हुआ था। इस कंपोनेंट में हमने कुछ छोटा मोटा एच टी एम एल लिखा था, फिर आपने यहाँ पे इसमें अपनी पूरी सी वी यहाँ पे बनाई थी आपने, जो शुरू में बिल्कुल एच टी एम एल बनाया था वो आपने यहाँ पे लिखा, तो वो यहाँ पे भी चल गया। तो ये आपकी सी वी क्या हो गई थी, यहाँ पे बन के तैयार हो गई थी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक इसमें कॉन्सेप्ट है एक और, जिसको हम कहते हैं स्टेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इस कंपोनेंट के अंदर वेरिएबल्स बनते हैं। सही है, जैसे जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल वेरिएबल्स बनते हैं, इसी तरह एक वेरिएबल रिएक्ट स्पेसिफिक वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल। ठीक है, तो वो हम जल्दी से आज बना लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, हम उसको कवर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे अगली क्लास में क्या करना है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, इसी हेलो वर्ल्ड को कॉपी कर लेता हूँ, एक इसी हेलो वर्ल्ड की फ़ोल्डर की कॉपी बना लेता हूँ, ताकि हेलो वर्ल्ड वाला कोड अपनी जगह रहे और हमारे पास ये एक नया फोल्डर बन के आ जाए। ये कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। सही है जी, ये मैंने कॉपी बना ली एक, और मैंने इसको बोला कि टू यूज स्टेट। ठीक है, यूज़ स्टेट इसका मैंने नाम रख दिया, और इसके अंदर आके मैंने वो कंपोनेंट वाली फ़ाइल ओपन कर ली, और कंपोनेंट वाली फ़ाइल में मैंने क्या किया, अच्छा ये हम कहाँ से फॉलो कर रहे हैं, ये हम डेव सीडिया का जो आर्टिकल था ना उसी से फॉलो कर रहे हैं। ठीक, जो लास्ट हम फॉलो कर रहे थे। ठीक है, ये था हमारा वो हेलो वर्ल्ड जो हमने लास्ट बनाया था, और फिर उसको हमने रिएक्ट फायर बेस पर डिप्लॉय किया था, फिर हमने उस कोड को पूरा समझा था एक एक करके, और समझने के बाद फिर हमने क्या किया था, योर टर्न ये वाला काम कर लिया था सब लोगों ने ना, योर टर्न भी आपने कर लिया था। आपको ये पता है कि इसमें सी एस एस कैसे लगती है, और टेम्पलेट करके इसमें आप अगर लिखो तो वो उसको एज अ जावा स्क्रिप्ट उसको ट्रीट करता है, तो ये सारा आपको पता चल गया था। तो अब ये जो डायनेमिक एंड रीयूजेबल कंपोनेंट है ना, हम ये वाला आप इससे आगे जा रहे हैं। वेल, अभी फ़ौरन मैं इसको नहीं फॉलो कर रहा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं से डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको मैं, इम्पोर्ट और यूज़ स्टेट। ठीक है, ये यूज़ स्टेट को मैंने ऊपर से रिक्वायर किया, इम्पोर्ट किया। इम्पोर्ट करने के बाद मेरे कंपोनेंट के अंदर आके अब मैंने ये करना है काम ना, कंपोनेंट के बाहर अगर मैं करूँगा तो ये एरर देगा। मैंने कहा कॉन्स्ट, और मैंने कहा कि डेटा कॉमा सेट डेटा, सही है, इक्वल्स टू यूज़ स्टेट, और इनिशियल वैल्यू मैं इसको कुछ भी दे सकता हूँ, फिलहाल के लिए इनिशियल वैल्यू मैं इसको दे देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग में भी। ठीक है, या मैं इसको ज़ीरो दे देता हूँ। हम नंबर वाला कुछ बना लेते हैं, नंबर को प्लस करें तो ऊपर हो, माइनस करें तो नीचे हो, इस तरह एक क्लासिक एग्जांपल यही बना के दिखाते हैं इसको समझाते हुए। तो ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब देखो इस वेरिएबल को बनाने का तरीका क्या है, मैंने लिखा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट लिख के ये मैंने डी स्ट्रक्चर किया है, राइट, ये मैंने डी स्ट्रक्चर किया है एरे को। हम ये जावास्क्रिप्ट के टाइम पर डी स्ट्रक्चर को हम देख चुके हैं, मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ये रिटर्न करती है एक अदद एरे जिसके दो इंडेक्स होते हैं, तो पहले इंडेक्स को मैं इधर ले रहा हूँ, दूसरे को इधर ले रहा हूँ। ठीक है, ये मतलब है इसका। अच्छा, ये इनिशियल वैल्यू देखो, मैंने यहाँ पे ज़ीरो करके ना इनिशियल वैल्यू पास की है, तो इसका मतलब है कि इस वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू जो है ज़ीरो हो गई। अगर मैं इसको नॉर्मल बनाता जावा स्क्रिप्ट में तो मैं क्या करता, मैं कहता लेट वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू ज़ीरो, मैं ऐसे करके बनाता। ठीक है, लेकिन नॉर्मल वेरिएबल इसको मैं नहीं बना रहा हूँ, इसको मैं क्या बना रहा हूँ, एक रिएक्ट के अंदर स्पेशल किस्म का वेरिएबल होता है जिसको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल, या सिर्फ स्टेट भी कहते हैं, ये हम वो बना रहे हैं। अब नॉर्मल वेरिएबल में और स्टेट में फ़र्क क्या है वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, ये बात समझ आ गई। अब ये जो स्पेशल किस्म का वेरिएबल है ना, ये बन तो गया, अब ये यूज़ कैसे होगा, इसको रीड करने के लिए ये पहला वाला पार्ट यूज़ होगा, इसको चेंज करने के लिए दूसरा वाला पार्ट यूज़ होगा। ठीक है, अगर कहीं पे भी मुझे इसको कंसोल कराना हो, मैं कैसे करवाऊँगा, कंसोल डॉट लॉग, और ये डेटा लिख के इसको मैं कंसोल करवा दूंगा। लेकिन अगर मुझे इसको चेंज करना होगा
तो मैं ये नहीं कर सकता कि डेटा इक्वल्स टू और फाइव कर दूं मैं, ये नहीं कर सकता। इसको मैं करूंगा सेट डेटा और ब्रैकेट करके मैं इसको अंदर जो भी दूंगा ना नई वैल्यू वो जाके उसमें सेट करवा देगा। ठीक है, तो इसको सेट करना और रीड करना ये दोनों हमने देख लिया। अच्छा, अब इसकी वेरिएबल की जो ख़ास बात है ना वो ये है कि अगर मैं इसको स्क्रीन पे आके यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँ ना, अगर इसको अगर स्क्रीन पे आके मैं ऐसे करके इसको डेटा लिख के मैं इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है, तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, जीरो प्रिंट हो जाएगा ऑफकोर्स। जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा ना वेरिएबल को, ये स्क्रीन पर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस वेरिएबल के चेंज होने की वजह से इस कंपोनेंट को दोबारा से रेंडर किया जाएगा, जिसकी वजह से ये चेंज हुआ हुआ नज़र आएगा। ऑन अदर हैंड जब कोई नॉर्मल वेरिएबल चेंज होता है तो उसके चेंज होने की वजह से कंपोनेंट को री रेंडर नहीं किया जाता। ठीक है, कंपोनेंट ये तो ये देखो यूज़ इफेक्ट, ये यूज़ स्टेट लिखा हुआ है ना, जिस चीज़ के साथ भी यूज़ लिखा हुआ होता है इसको हम कहते हैं हुक्स। ठीक है, रिएक्ट के हुक्स हैं ये। अब जो रिएक्ट के हुक्स होते हैं उनका हुक क्या चीज़ है, ये हुक का मतलब ये है कि ये आपके स्क्रीन के साथ हुक हुआ है, आपके कंपोनेंट के साथ हुक हुआ है। जब इसमें चेंज होगा तो कंपोनेंट को पता चलेगा, या कंपोनेंट में चेंज होगा तो इसको पता चलेगा, वाइस वर्सा। यानी हुक कुछ इस तरह की चीज़ होती है, एटलीस्ट एक क्वालिटी उसमें होगी जब भी उसको हुक बोलते हैं, कि या तो उसके चेंज होने की वजह से कंपोनेंट को पता चले, कंपोनेंट भी अपने आप को चेंज करे, या कंपोनेंट में कोई चेंज हो तो उसको पता चले। दोनों में से कोई एक क्वालिटी जब तक नहीं होगी फिर इसको हम हुक, तो हुक जो है ऐसे फंसा हुआ है, हुक हुआ है। जैसे होता है ना, एक गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है तो अगली गाड़ी से पीछे हुक लगा के उसको खींच लेते हैं, तो ऐसे हुक लगा हुआ है कि एक गाड़ी मूव होगी तो पिछली दूसरी खींचते हुए खुद आएगी साथ साथ। तो ये हुक से समझ में आ गया आपको कि इसको हुक क्यों बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया। अच्छा, डेटा लिख के मैं इसको क्या कर देता हूँ, इस ऐप को रन कर देता हूँ। इस ऐप को रन करने के लिए मैंने कहा CD3 रिएक्ट और CD2 यूज स्टेट और NPM स्टार्ट। तो जी ये ऐप मेरे पास क्या हो गई, ये ऐप मेरे पास रन हो गई। राइट, मुझे किस पे रन करना था इसको, मुझे इस वाले पे करना है। सही है, ये ऐप मेरी क्या हो गई, रन हो गई, और मेरे पास जो जीरो जो लिखा हुआ था इसमें वो लिखा हुआ नज़र आ गया। ठीक है, अब मैं कॉन्सोल पे जाता हूँ और कॉन्सोल भी साथ साथ खोल के रखता हूँ कि ताकि कोई चेंजेस हो तो पता चले। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक बटन बना देता हूँ। जाहिर है इस डेटा में मैं कह रहा हूँ जब चेंज होगा तो वो स्क्रीन पे रियल टाइम में चेंज होता हुआ नज़र आएगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अदद बटन बना देता हूँ मैं, कि भाई बटन का नाम रख देता हूँ प्लस। ठीक है, प्लस रख देता हूँ बटन का नाम, और मैंने कहा ऑन क्लिक जब हो तो क्या करो, इसके ऊपर एक फंक्शन मैं यहीं पर बना देता हूँ कि ये फंक्शन चलेगा। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, मैंने कहा कि भाई सेट डेटा जो है ना, सेट डेटा के अंदर क्या करो, आप डेटा प्लस वन कर दो। सही है ना, सेट डेटा के अंदर जो भी मैं चीज़ देता हूँ वो क्या करता है, वो जाके रख देता है ओरिजिनली। तो मैंने इसमें क्या दिया, मैंने कहा डेटा जो भी कुछ है और प्लस वन, तो इस वक्त डेटा में ज़ीरो है, तो ये प्लस होकर रिटर्न क्या होगा, वन रिटर्न होगा, तो वो वन चला जाएगा। अगली दफ़ा में डेटा में वन है तो वन प्लस वन यहाँ पे टू रिटर्न होगा, तो वो इस तरह इसके क्लिक करने से एक एक करके प्लस होता जाएगा। सही है, सेव करता हूँ मैं और आके यहाँ पे दबा के देखो, देखो प्लस कर रहा हूँ, प्लस हो रहा है। ठीक है, और अगर इसी के साथ एक मैं एक बटन और बना दूँ जिसका नाम रख दूँ मैं माइनस। ठीक है, और यहाँ पर मैं वन माइनस लगा दूँ। सही है, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो प्लस से ये प्लस होगा, माइनस से ये माइनस होगा, और मुझे रियल टाइम पे स्क्रीन में ये दिखता रहेगा। अगर मैं सेम चीज़ करूँगा ना एक नॉर्मल वेरिएबल के साथ तो उसको पता ही नहीं चलेगा ये क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे ये पूरा कंटेंट था ना, इस पूरे को मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे क्या करता हूँ, दो तीन BR लगा देता हूँ और ये पेस्ट कर देता हूँ मैं दोबारा। इस डेटा की जगह अब मैं कर देता हूँ num1, एक मैं नॉर्मल वेरिएबल बना लेता हूँ ऊपर num1 के नाम से ना, जो कि अभी बना हुआ नहीं है, अभी बना लेता हूँ। मैंने कहा लेट num1 इक्वल्स टू 0। सही है, ये हो गया 0। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार num1 प्लस प्लस हो जाए। सही है, चलेगा ना ये num1 प्लस प्लस, और इसमें num1 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस हो गया। अच्छा, अब मैं जब रिफ्रेश करता हूँ तो num1 मुझे 0 दिख रहा है, लेकिन जब प्लस करता हूँ मैं तो वो प्लस स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, एक्चुअल में तो हो रहा है।
क्योंकि एक्चुअल में ऐसे हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे कॉन्सोल कर दूँ ना इसको, कॉन्सोल डॉट लॉग, और मैं कहूँ कि भाई नम वन जो है उसको यहाँ पे दिखा दो क्या है नम वन में, तो वो दिखा देगा मुझे। और उसमें आप देखेंगे कि वो दिखेगा मुझे माइनस होता हुआ भी और प्लस होता हुआ भी। ये नम वन में प्लस प्लस किया मैंने ऑन क्लिक पे, और साथ में कॉन्सोल भी करा दिया कि भाई देख भी लूँ कि क्या हो गया। रिफ्रेश किया और मैंने प्लस का बटन दबाया तो देखो नम वन वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, माइनस भी हो रहा है लेकिन स्क्रीन भी नहीं दिख रहा। ठीक है, प्लस प्लस किया तो अभी नम वन में क्या आ चुका है इस वक्त, सेवन आ चुका है लेकिन मुझे स्क्रीन पे नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि इस नॉर्मल वेरिएबल के चेंज होने पे कंपोनेंट को दोबारा से रेंडर नहीं किया जा रहा है। अगर किसी भी वजह से कंपोनेंट दोबारा रेंडर हुआ तो मुझे वो दे देगा जो वैल्यू यहाँ पे सेवन आ रही है लिखी हुई। तो अगर मैं इसको प्लस करूँ यहाँ से, अच्छा नहीं वो गड़बड़ कुछ और ही है, वो असल में कंपोनेंट जब चलता है तो होता ही है कि ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है ना दोबारा से चलता है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जब दोबारा से चलेगा तो इसका मतलब है नम दोबारा ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको मुझे शायद बाहर रखना पड़ेगा इसके। ठीक है, लेकिन बाहर रखना फिर वो मेरे दूसरे रूल्स की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। अब मैं ये वाली चीज़ ट्राई करता हूँ, मैंने प्लस प्लस किया, नम वन को मैंने सिक्स कर दिया, अब एक बार ये प्लस करता हूँ देखो सिक्स हो गया। और इसके लिए मुझे, मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं कंपोनेंट से फिर बाहर रखूँ इसको, क्योंकि कंपोनेंट ये फंक्शन है ना, जब जब कंपोनेंट री रेंडर होता है ये फंक्शन दोबारा चलता है। तो ये फंक्शन दोबारा चला तो यहाँ पे नम वन अगर इधर लिखा हुआ था ना तो वो दोबारा से ज़ीरो हो गया। तो अब आप नोट करें कि ये प्लस करने से देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो हो रहा है ये, लेकिन स्क्रीन को दोबारा से री रेंडर नहीं किया जा रहा, कंपोनेंट को दोबारा से चलाया नहीं जा रहा है। जब मैं इसको एक बार प्लस करता हूँ तो देखो ये भी अपडेट हो जाता है, क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल को प्लस करने पे कंपोनेंट को री रेंडर किया जाता है। ठीक है, अच्छा तो हम ऐसे वेरिएबल्स जिनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है ख़ास तौर पे, उनको हम स्टेट वेरिएबल बनाएंगे रिएक्ट के अंदर। ठीक है, और वैसे भी मतलब नॉर्मल वेरिएबल की ज़रूरत वैसे पड़ती तो नहीं है, मतलब स्टेट में सारे काम हो जाते हैं तो, लेकिन ये है कि जस्ट इन केस हम नॉर्मल वेरिएबल भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकते, लेकिन स्क्रीन पर जो डेटा दिखाना है तो जाहिर है उसको मुझे फिर स्टेट वेरिएबल में ही रखना होगा, क्योंकि वो डेटा जब चेंज होगा तो स्क्रीन पे मुझे उसको री रेंडर करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगा देता हूँ, मैंने कहा यार H1 स्टेट वेरिएबल। ठीक है, और मैं यहाँ नीचे हेडिंग लगा देता हूँ H1 नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। राइट, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? सही है, तो स्टेट वेरिएबल ये फिनोमेना आ गया, नॉर्मल वेरिएबल में ये फिनोमेना आ गया। अच्छा, अब आपने करना क्या है, छोटा सा असाइनमेंट, यहाँ पे ना इसने एक लाइट ऑन ऑफ का बनाकर दिखाया हुआ है असाइनमेंट, स्टेट वेरिएबल की जहाँ पे बात कर रहे हैं ना ये, ये रूम इज़ लिट वाला जो है ना, ये वाला, ये बनाना है आपने। इसने इसमें किया हुआ क्या है कि एक यहाँ पे बटन होता है उसको दबाने से स्क्रीन का कलर ब्लैक हो जाता है, उसको दबाने से स्क्रीन का कलर वाइट हो जाता है, दैट्स इट। और वो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है वो, असल में है ये कि हाँ जैसे ये डेटा है ना, अब अगर ये डेटा इवन है या ऑड है इसके बेस पे मैं कुछ यहाँ पे टर्नरी लगा सकता हूँ ऑपरेटर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे आया ऐसे करके लिखा, ये पहले भी कर चुके हैं आप, मैंने कहा भाई डेटा जो है ना अगर वो क्या है मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, मैंने कहा भाई इवन है या ऑड है अगर, ठीक है, मैंने कहा मॉड्यूलस 2 अगर इक्वल्स इक्वल्स है 0 के तो क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो इवन, मतलब यहाँ पे ऐसे एक क्या लगा दो, बोल्ड करके लिख दो बोल्ड के टैग में कि ये इवन है। सही है, क्या किया मैंने ये, अच्छा वो क्वेश्चन मार्क लगाना था ना यहाँ पे, और यहाँ पे लगाना था ये पे, और मैंने कहा कि अगर दूसरे पे क्या हो, दूसरे पे उसको क्या कर दो इटैलिक करके लिख दो कि ये ऑड है। सही है,
सही है ना ये ओके की रिपोर्ट है ना। अच्छा वो स्ट्रिंग में मुझे नहीं लिखना था भाई, दबे वो तो जेएसएक्स में हूँ ना मैं, स्ट्रिंग क्यों लिखूँगा मैं डायरेक्ट जेएसएक्स लिखूँगा। सही है डायरेक्ट जेएसएक्स लिख दिया मैंने, इसमें चुन्ना मुन्ना सा एरर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? ये एरर क्यों आ रहा है भाई, अजीब सा एक छोटा सा। बी हैज़ नो कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। अच्छा अच्छा वो क्लोजिंग मैंने गलत लगाया है, क्लोजिंग मैंने गलत लगाया है, वो सेल्फ क्लोजिंग में होता है बाद में, यानी जैसे सेल्फ क्लोजिंग में ना बाद में होता है, जो क्लोज वाले टैग है उसमें इधर होता है फॉरवर्ड स्लैश, इसलिए एरर दे रहा था वो। सही है, अब देखो मैं प्लस करूँगा ना, ऑड हो गया इवन हो गया, ऑड हो गया इवन हो गया, तो ये कंडीशनल मैंने कुछ काम करवा दिया इधर, सही है ना। तो इसी तरह उसने क्या किया हुआ है, कंडीशनल क्या किया हुआ है, क्लास को कंडीशनल लगाया हुआ है, तो क्लास क्योंकि कंडीशनल है तो वो क्या होता है कि जब एक वेरिएबल चेंज होता है तो वो कलर पूरा ब्लैक हो जाता है क्लास की वजह से, और फिर कलर पूरा वाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पर रख दिया है, इसको भी मतलब तुम्हारे लिए हेल्प रहेगी कि प्लस करता हूँ तो ये इवन और ऑड साथ साथ तुम्हें दिखाता रहेगा। ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट दोबारा रेंडर हो रहा है ना, तो ये वाली जो बात लिखी हुई है ये टर्नरी, ये दोबारा चलेगा, तो वो दोबारा जो उस वक्त होगा डेटा के अंदर वो दिख जाएगा तुम्हें स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल फॉलो करके ये रूम इज़ लिट और रूम इज़ डार्क वाला जो है ना वेरिएबल, ये असाइनमेंट ये बना कर लाना। देखो इस तरह करके किया हुआ है, पूरा कोड भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, इसको जस्ट देख के तुम्हें कोड को लिखना है। और अभी ये चलता हुआ नहीं दिखाया ना इन्होंने कहीं, इसने चलता हुआ दिखाया नहीं है यहाँ पे कहीं, ये पूरा वही वाला कोड है, देखो क्लास को कैसे इसने कंडीशनल बनाया है, नहीं वो चलता हुआ कोड इन्होंने दिखाया नहीं है। वेल जब तुम करोगे तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये यूज़ स्टेट से स्टार्ट करोगे, नीचे फॉलो करोगे, आसान है बिल्कुल। ठीक है, हो जाएगा ना, आसान है, मसला तो नहीं है कोई। ये कोड मैं पुश कर रहा हूँ, सही है, ये कोड मैंने पुश कर दिया, चलो सही है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अभी जो मैंने ये यूज़ स्टेट पढ़ाया इससे मुतालिक कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है? अगर है तो पूछ लो। यूज़ स्टेट जो मैंने पढ़ाया अभी, ये ख़ास किस्म का जो वेरिएबल है रिएक्ट का, इसमें कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ ना आई हो? अच्छा, इसमें मैंने अभी नंबर रखवाया है, इसमें स्ट्रिंग बूलियन ऑब्जेक्ट एरे कुछ भी रखवा सकते हैं। ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में जैसे आपने नंबर रखवाया होता है बाद में आप स्ट्रिंग रखवा देते हैं, तो ये इसके अंदर भी पॉसिबल है, इसके अंदर भी ऐसा कोई इशू नहीं है। है ये इंटरनली ये जावास्क्रिप्ट वाला ही वेरिएबल है, लेकिन जस्ट इसमें एक एडिशनल हुक लगा हुआ है और दैट्स इट, और इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, तो इसको हाथ से कोड लिखोगे तो हो सकता है कुछ और मजीद सवाल आते हैं, वो फिर अगली क्लास में वो आप पूछ लीजिएगा। चलो अल्लाह हाफिज़।